आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। साफ सफाई के अभाव में मुक्ति धाम बना राख का ढेर। मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक पुरातात्विक नगरी ऊन का मुक्ति धाम इन दिनों साफ सफाई के अभाव में राख के ढेर में तब्दील हो गया, जिससे आगामी दाह संस्कार में परिजनों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। बता दें कि आसपास 52 गांव के लोगों का दाह संस्कार इसी स्थान पर होता है। ऐसे में विगत 21 दिन में 100 से अधिक लाशों का दाह संस्कार होने से मुक्तिधाम राखों के ढेर में तब्दील हो गया, जिसमें पैर रखने की जगह तक नहीं रही। लिहाजा घोर समस्या को लेकर अब ग्रामीणों ने साफ सफाई की आवाज उठाई। इस दौरान पंचायत सचिव ने बताया कि प्रतिदिन 3 से 4 दाह संस्कार होने से समस्या खड़ी हुई, जिसके निराकरण के लिए सुलभ व्यवस्था जुटा रहे हैं। सेगांव से जय गुप्ता की रिपोर्ट। कि यहाँ पर जो शमशान घाट है, वहाँ पर आसपास के जो लोग आ रहे हैं, जो मृत हो रहे हैं, वह काफ़ी मतलब प्रतिदिन 300 से 400 दाह संस्कार के लिए आते हैं, और वहाँ अभी फिलहाल में जो है कि इकट्ठे 100 होने के कारण साफ सफाई के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। उसके लिए व्यवस्था हम कर रहे हैं। अगर लकड़ी की व्यवस्था, लकड़ी की व्यवस्था के लिए हम व्यवस्था जो है ग्रामीणों का जो है, कुछ ग्रामीणों के पास व्यवस्था रहती है तो उनसे लेकर ये करते हैं, और वन विभाग का जो है उससे भी हम ये करते हैं।